मेरे 5 वर्ष की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना रहा नहीं जाता था। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौआ कहता है, वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी, देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना? और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी, अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़कर न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली वाले से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम और किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली वाला मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डाल गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही है। काबुली वाला प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। दोनों में बड़ी बड़ी बातें होती और वे खूब हंसते। काबुली वाले को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? वह हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाहियों से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हा, वही तो जा रहा हूँ।
रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई, तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए, आज मेरी मिनी का विवाह है, लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था, इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही न सका, उसके पास न तो झोली थी और न चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, तुम कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूं, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूं, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा, दरवाजे के पास रुक कर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी बच्ची ही है। पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर चला गया। मैं सोच रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, ये थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी बेटी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला, देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कोलकाता के गली कूचों में सौदा बेचने आता था। यह देखकर मेरी आंखें भर आईं। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सख पका गया, उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने, वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।